दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर डिडवी टिकर हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बल, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। जिला मुख्यालय नाहन स्थित मेडिकल कॉलेज में आज एक दिवसीय बेसिक लाइफ सपोर्ट कोर्स पर एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें नाहन मेडिकल कॉलेज ने प्रथम वर्ष के छात्रों को बेसिक लाइफ पर जानकारी दी गई। भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी के द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में मेडिकल कॉलेज नाहन के बाल रोग विभाग द्वारा नए छात्रों को जानकारी दी गई। MS नाहन मेडिकल कॉलेज डॉक्टर श्याम कौशिक ने बताया कि इस कार्यशाला में राज्य मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़, PGI चंडीगढ़ और IGMC शिमला की फैकल्टी द्वारा पाठ्यक्रम का संचालन किया गया। इस कार्यशाला के आयोजन के बाद मेडिकल कॉलेज नाहन को भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग सेंटर घोषित किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर श्याम कौशिक ने बताया कि आज नए छात्रों को बेसिक लाइफ सपोर्ट पर जानकारी दी गई है। इसके बाद आने वाले समय में यह जानकारी डॉक्टर्स, यहाँ कार्यरत नर्सेज, ट्रेनी नर्सेज, 108 चालक, सह चालकों समेत बस ड्राइवर एवं कंडक्टरों को इस विषय पर ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि आपात स्थिति में किसी भी व्यक्ति के जीवन को आवश्यकता पड़ने पर बचाया जा सके। स्पोर्ट प्रोग्राम का ये रखा है वर्कशॉप, CPRV इसको बोलते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिसिटेशन। जैसे कोई सडनली कोलैप्स हो जाता है तो उसको एकदम इनके तरफ से क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, उसको कैसे रिवाइव करना है ताकि उसकी डेथ ना हो, तो उसको एकदम क्या एक्शन करना है। जैसे छोटा बच्चे के बारे में भी कर रहे थे, तो जैसे बच्चा एकदम कोलैप्स हो गया है तो उसको आके चेक करना है, उसको रिस्पॉन्सिवनेस देखनी है और फिर उसकी पल्स देखनी है कि है कि नहीं है। अगर अनरिस्पॉन्सिव पल्स भी नहीं है तो उसको एकदम CPR स्टार्ट करेंगे, तो चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करते हैं और फिर 30 देंगे उसको अगर सिंगल एक बंदा कर रहा है, और उसके बाद 2 रेस्क्यू ब्रेथ देंगे, फिर से चेस्ट कंप्रेशन देंगे। तो इस वजह से तो ये हमने वर्कशॉप इनके लिए ऑर्गेनाइज़ की है, यहाँ पर पहली बार हो रहा है प्रोग्राम, और इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की तरफ से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। हम भी सब मेंबर हैं, हम पीडियाट्रिशियन हैं तो इसके मेंबर हैं हम लोग। जैसे हम इसमें डॉक्टरों की ट्रेनिंग कराएंगे, जैसे कैजुअल्टी में जो डॉक्टर्स होते हैं और भी कोई ट्रेनिंग से आके करना चाहे, और इमरजेंसी व्हीकल में जो ड्राइवर कंडक्टर ये सबको आना चाहिए, क्योंकि कहीं भी कोई आदमी आए तो उसकी जान बचा सकते। इसी तरह से हम ये ट्रेनिंग नर्सिस को भी देंगे जो हमारे यहाँ पर पोस्टेड है, और जो यहाँ पर नर्सिंग स्कूल के जो फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं उनको भी हम कराएंगे, या आसपास के कोई प्राइवेट वाले नर्सिंग कॉलेज वाले भी करना चाहें तो हम उनको करेंगे, और उनको सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए बेसिकली, तो इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स से उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो 2 साल तक वैलिड है, 2 साल के बाद ही फिर से करना पड़ता है, क्योंकि ये एक तरह की स्किल होती है जो हम लर्न करते हैं। वैसे मैं बताता हूँ कैसे नहीं करना, पर जब हम करने लगते हैं तो हम उसको ठीक से नहीं कर पाते, तो इसको बार बार प्रैक्टिस करके अपने दिमाग में बिठाना होता है, 2 साल के बाद ही फिर से रिफ्रेशर कोर्स होता है, तो दोबारा से फिर सर्टिफिकेट इशू होता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज़ का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे, भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज़ फेसबुक पे और यूट्यूब पे।